प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर आयोजित वेबिनार रा पूर्ण सत्र ने करिया संबोधित कया के इन साल रा बजट में शिक्षा रा क्षेत्र में 5 बाता पर दियो गयो खास जोर। भारतीय जनता पार्टी राज्य री कांग्रेस सरकार ने हर मोर्चा पर बतायो विफल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कया सरकार काश्तकारा सो करिया वायदा भी नहीं करिया पूरा। रीट भर्ती पेपर लीक मामला में भाजपा रा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा करिया और खुलासा कया मामला रा तार जुड़िया है 10 जनपद ताई। पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर पुलिस मुख्यालय में करिया समीक्षा बैठक सगड़ा रेंज आईजी और पुलिस कमिश्नर भी लीना भाग। और भारत तीसरे और आखिरी T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने 17 रन से हरायो। भारतीय टीम विश्व T20 क्रिकेट रैंकिंग में पुगी शीर्ष माथे। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आप लोग घणो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास सोनी और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर आयोजित वेबिनार रा पूर्ण सत्र ने संबोधित करिया। कार्यक्रम में पीएम कहो कि देश री युवा पीढ़ी भविष्य री कर्णधार और राष्ट्र री निर्माता है। प्रधानमंत्री कहो कि इन साल रा बजट में शिक्षा रा क्षेत्र में 5 बाता पर विशेष जोर दियो गयो है। हमारी शिक्षा व्यवस्था का विस्तार हो, उसकी क्वालिटी सुधरे और एजुकेशन सेक्टर की क्षमता बढ़े, इसके लिए अहम निर्णय लिए गए हैं। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट। देश में डिजिटल स्किलिंग इकोसिस्टम बने, इंडस्ट्री 4.0 की जब चर्चा चल रही है तो इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से स्किल डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री लिंकेज बेहतर हो, इस पर ध्यान दिया गया है। तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है अर्बन प्लानिंग और डिजाइन। इसमें भारत का जो पुरातन अनुभव और ज्ञान है उसे हमारी आज की शिक्षा में समाहित किया जाना आवश्यक है। चौथा अहम पक्ष है इंटरनेशनलाइजेशन। भारत में वर्ल्ड क्लास विदेशी यूनिवर्सिटियां आए, जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं जैसे गिफ्ट सिटी है, वहां फिनटेक से जुड़े संस्थान आए, इसे भी प्रोत्साहित किया जाए। पांचवा महत्वपूर्ण पक्ष है AVGC यानी एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग कॉमिक। इन सभी में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है। इसे पूरा करने के लिए हम भारतीय टैलेंट का कैसे इस्तेमाल बढ़ाएं, इस पर भी उतना ही ध्यान दिया गया है। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र प्रदेश का विश्वविद्यालय सो शिक्षा री क्षेत्रीय आवश्यकता ने ध्यान में रखता थका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय श्रेष्ठ संस्थावा रे साथे समन्वय और सहभागिता करवारो आह्वान करियो। राज्यपाल काले बीकानेर रा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय रा दीक्षांत समारोह ने ऑनलाइन संबोधित करिया। इन दौरान वे कहो कि विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक और शोध कामा रे साथ ही खेलकूद रा उच्चतम मापदंडा ने ध्यान में रखता थका सुविधावा रो विकास करनो चाहिए। अनुपम विरासत अपने में सजाए हुए है यह विश्वविद्यालय, जिन महाराजा गंगा सिंह जी के नाम से स्थापित है,
वह अपने समय से आगे की सोच रखने वाले थे। ऐसे समय में जब नहरों की कल्पना ही हमारे यहां नहीं थी, वह बीकानेर के लिए गंग नहर लेकर आए। बीकानेर को आधुनिक विकास से उन्होंने जोड़ा। मैं इस दीक्षांत समारोह में उनको नमन करता हूं। दोहा है, 1545 सूद वैशाख सुमेर थावर भी थरपियो बीके बीकानेर, अर्थात 1545 में शनिवार के दिन वैशाख में बीकानेर शहर की स्थापना राव बीकर ने की थी। मुझे ज्ञात हुआ कि नगर स्थापना का उत्सव राव बीकर ने पतंगे उड़ाकर किया मनाया। बस तभी से अक्षय तृतीया पर बीकानेर में पतंगे उड़ाने का रिवाज हो गया। भारतीय जनता पार्टी राज्यरी कांग्रेस सरकार ने हर मोर्चा पर विफल बताया है। भाजपा मुख्यालय में राखी जी गई पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया बतायो कि विधानसभा में 23 तारीख ने बजट पेश होबा वालो है। विधानसभा में 3 बजट आ चुकिया है और 3 बार राज्यपाल आपरो अभिभाषण दियो है, पर इन पर चर्चा नहीं हो सकी है। वणे आरोप लगायो कि बजट 2020-21 में कर गया वादा पूरा नहीं कर पाई। प्रदेश में सरकार किसान कर्ज माफी की बात तो करे है, पर राज्य रा 60 लाख काश्तकार हालत बड़ी खराब है। राजस्थान की सरकार का बजट आएगा, मुख्यमंत्री जी बजट पेश करेंगे। दावा तो ये करते हैं कि उन्होंने जन घोषणा पत्र के और बजट के 70% वादे पूरे कर दिए, लेकिन अभी भी राजस्थान के 60 लाख किसान कर्जा माफी का इंतजार कर रहे हैं। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी 27% राजस्थान में है। राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। राजस्थान का नौजवान और राजस्थान का विद्यार्थी हैरान है। राजस्थान में राइट टू हेल्थ से लेकर जितने खनन नीति से लेकर पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने से लेकर जितनी मांगे लंबित हैं, एक लंबी फहरिस्त है जो अभी भी घोषणाएं की गई थी। 7 स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल काले कोटा जिला में चाल रिया विकास कामारो निरीक्षण करियो। इन दौरान वे अधिकारियों ने सगड़ा कार्य गुणवत्ता रे साथे टेम माथे पूरा कराबारा निर्देश दिया। रीट भर्ती पेपर लीक मामला में भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक बार फेरू राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। जयपुर में खबर नवीसा सु बातचीत करता थका डॉक्टर मीणा कया कि मामला री सीबीआई जांच होनी चाहिए, वटे ही वणा आरएस मेंस परीक्षा आगे बढ़ावा री भी राज्य सरकार सु मांग करी है। इन दौरान माका संवाददाता धर्मेश भारती भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सु खास बातचीत कीनी। रीट भर्ती परीक्षा को लेकर नित नए खुलासे हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। उन्होंने आज फिर एक नए तथ्य पेश किए हैं रीट भर्ती परीक्षा को लेकर। एसओजी ने जो चालान किए हैं, चालान में ये सब प्रमाण अपने आप बोलते हैं कि एसओजी ने निर्दोषों को फंसाया, दोषियों को बचाया, बचाने में पैसे भी लिए और पेपर भी अपने लोगों के लिए पढ़ाया, प्रमाण है उसमें। तो जो एसओजी पेपर लीक करने में है, बड़ी राशि बटोर रही है निर्दोष लोगों से, उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है कि वो निष्पक्ष जांच कर सकती है। एक एसओजी की बात की, उसके अलावा जो राजीव गांधी स्टडी सर्कल से जुड़े लोग हैं उनको बड़ा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त, ये भी एक आरोप था क्या? राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोग ज़्यादातर रीट की परीक्षा में कोऑर्डिनेटर, को कोऑर्डिनेटर, रीजनल कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लगे हैं और यही आरएस की परीक्षा में हो रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे रीट में चीट हुआ है वैसे आरएस में भी चीट होगी। आरएस में ये है कि अधिसूचना के साथ सिलेबस जारी हो जाता है, वो सिलेबस जारी हो गया और अधिसूचना के बाद उस सिलेबस को बदल दिया और वो भी ऐसे लोगों के द्वारा जो प्रोफेसर बीएम शर्मा आरपीएससी के चेयरमैन रहे हैं, वो इन गांधी इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं अभी प्रेजेंट में, वैसे तो लाभ के पद पर रह नहीं सकते लेकिन गहलोत साहब की मेहरबानी है लाभ के पद पर बैठे हुए हैं,
उन वो एक इंस्टीट्यूट चला, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जो चला नहीं सकते सिविल टारगेट, उससे जुड़े हुए 16 लोग जिसमें खुद प्रोफेसर बीएम शर्मा, राजीव गांधी स्टडी सर्कल से जुड़े हुए हैं, बाकी के कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनकी सलाह पर ये सिलेबस चेंज किया है जिसमें 50-60% परिवर्तन कर दिया। अब अभ्यर्थी बड़ी तैयारी करना के लिए समय चाहते हैं, वो समय भी नहीं दे रहे, ये एक षड्यंत्र है। और जैसे रीट में चीट हुई है वैसे आरएस के साथ चीट होगी, इसलिए उन आरएस अभ्यर्थी जो धरने पर बैठे हैं, जो भूखड़ताल पर बैठे हैं, जो अस्पताल में भर्ती हैं गंभीर स्थिति में, उनकी प्रार्थना माननीय मुख्यमंत्री जी सुने, परीक्षा को पोस्टपोन करें। और पोस्टपोन के साथ जो मनमाफिक इन्होंने आरजीएससी के लोगों ने मिलकर जो सिलेबस बदला है उसको एक ऐसी कमेटी को दिया जाए जो अति गोपनीय तरीके से सिलेबस तैयार करे ताकि निष्पक्षता रूप आरएस का सिलेक्शन हो सके। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा के सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जिनका स्पष्ट मानना है कि रीट भर्ती परीक्षा मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसके साथ साथ जो आरएस की जो भर्ती परीक्षा है उसको रद्द किया जाना चाहिए और इस पूरे मामले को जो कोर्स बदला गया है उसकी भी जाँच होनी चाहिए। धर्मेश भारती, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। खबरा जारी है पण अबाड़ लेवा हां एक विराम। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है, कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो, अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बुलेटिन में एक फेर आप स्वागत है। रीट पेपर लीक मामला ने लेर भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कई और खुलासा करिया है। वे बतायो कि रीट ने लेर जिन लोगों का नाम सामने आ रिया है वे 10 जनपद पर आयोजित राजीव गांधी स्टडी सर्कल री बैठक रे दौरान मौजूद रिया। वे यो भी कियो कि सगड़ा लोग अशोक गहलोत की मौजूदगी माए कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी सु भी मिलिया है। अध्यक्षता में उनके दिल्ली स्थित निवास 10 जनपद पर राजीव गांधी स्टडी सर्कल की फर्स्ट मीटिंग मार्च 2007 में हुई थी। उस समय का माननीय गहलोत जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अब हैं, उस समय प्रतिपक्ष के नेता थे, ये जितने भी भ्रष्ट चोर जिनके मैंने प्रमाण दिए हैं रीट पेपर लीक में, वो 10 जनपद पर सोनिया गांधी के निवास पर मौजूद है। ये सोनिया गांधी हैं, इनकी बगल में अशोक, और ये DP जारोली है जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के एडवाइजरी मेंबर हैं। जयपुरा जवाहर कला केंद्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड डिम्ड यूनिवर्सिटी का निशु 11-13 मार्च ताई आयुर्वेद फूड फेस्टिवल रो आयोजन करो जावेला। NIA रा कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा बतायो कि आयुष एक्सपो और फूड फेस्टिवल रे साथे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह रो भी आयोजन करो जावेलो। की तरफ से एक आहारोत्सव और प्रदर्शनी का, आयुष प्रदर्शनी यानी आयुष एक्सपो एंड फूड फेस्टिवल का एक आयोजन 11, 12, 13 मार्च को यहाँ एक आयोजन हो रहा है। और इस आयोजन में कई तरह के कार्यक्रम जो है हमने सम्मिलित किए हैं। ये आयोजन जवाहर कला केंद्र में 11 बजे से शाम को 9 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। और इस कार्यक्रम में जो ये जो हमारा प्रदर्शनी है और इसमें जो हम आहारोत्सव कर रहे हैं, सब मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जो आयुर्वेद का जो आहार है और आयुर्वेद के संदेश को हम जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो आयुर्वेद का और हमारा जो पारंपरिक आहार है वो हमारे
उस क्षेत्र के उस ऋतु के अनुकूल होता है और वहाँ के जो वातावरण है उसके अनुकूल होता है, और उसी का प्रोत्साहन देने के लिए हम ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है ये जो हम आयुर्वेद दिवस जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाते हैं उसी के सेलिब्रेशन के श्रृंखला में एक कार्यक्रम ये भी हम आयोजित कर रहे हैं। ये आपको मालूम है कि इस वर्ष हम जो है वो पिछले 2021 में छठा आयुर्वेद दिवस उसका सेलिब्रेशन किया था, जो उसका जो राष्ट्रीय कार्यक्रम था वो भी हमारे नाइए के अंदर जयपुर में ही हुआ था। उसमें आयुष एक्सपो में एक हम मौका दे रहे हैं अपने जो इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, या जो इक्विपमेंट्स वगैरह बनाते हैं उनको, या जो स्टार्टअप्स जो हैं उनके लिए एक अवसर दे रहे हैं कि वो अपने अपने जो उनके प्रोडक्ट्स हैं या अपने जो स्टार्टअप्स हैं उनका वो अपना एक वहाँ पर प्रदर्शनी कर सकें, लोगों को एक्सपोज कर सकें कि हम कहाँ तक पहुँचे और क्या क्या हमारे पास है, और अपने प्रोडक्ट्स को वो वहाँ पर सेल भी कर सकते हैं। दूसरा है कि हम जो हमारा आहार जो है उसके एक तो लाइव फूड सेल, लाइव फूड प्रिपरेशन ये वहाँ पर होगी, और वहाँ पर लोग जो है पारंपरिक और आयुर्वेदिक या आयुष आहार जो है उसका आनंद वहाँ पर उठा सकते हैं। और मैंने जैसे कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का मामला में लगातार कमी आ रही है। इंड चालता काले राज्य में 1022 नुआ संक्रमित मिलिया है। इंड में जयपुर में 214 जबकि कई जिला में 100 से भी कम मरीज पाया गया। इन बीचे 2182 संक्रमित भी ठीक हुई गया है, जबकि 4 लोगारी इन बीमारियों से मौत हुई गई है। दूजी कानी राज्य में काले 12,159 लोगारू टीकाकरण करियो गयो। प्रदेश में 5 फरवरी से सोनोग्राफी केन्द्रों सघन निरीक्षण अभियान चलायो जा रही है। इनके तहत 15 दिन में 1,786 सोनोग्राफी केन्द्रों निरीक्षण करियो गयो। एनएचएम मिशन का निदेशक बतायो कि इन अभियान रे पाछे भी सोनोग्राफी केन्द्रारी नियमित मॉनिटरिंग करी जावेली। जयपुर रा एक निजी अस्पताल में आज हार्ट ट्रांसप्लांट करियो गयो। इनसु पहलिया सुवारे एक ब्रेन डेड मरीज रो हार्ट एसएमएस अस्पताल सु ग्रीन कॉरिडोर बनार निजी अस्पताल पुगायो गयो। गौरतलब है कि जयपुर में अबे तई 8 हार्ट ट्रांसप्लांट कराया जा चुकिया है। पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर आज पुलिस मुख्यालय में पुलिस विभाग री समीक्षा बैठक ली नहीं। इन दौरान प्रदेश का सगड़ा रेंज आईजी और पुलिस कमिश्नर शामिल हुआ। बैठक में डीजी इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा समेत मुख्यालय रा वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रिया। जयपुरी प्रतापनगर थाना पुलिस 2 बदमाशा ने गिरफ्तार करियो है। पुलिस इंडरा कब्जा सु 1 रिवॉल्वर और 2 जिंदा कारतूस बरामद करिया। पुलिस आरोपिया सु पूछताछ करवा में जुटी है। दौसा में पुलिस बड़ी कार्रवाई करता थका अंतर्राज्य मादक पदार्थ गिरोह रो खुलासो करियो है। पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल बतायो कि इन मामला में एक नाबालिग ने निरुद्ध कर 7 आरोपिया ने गिरफ्तार करियो है। पुलिस आरोपिया सु 67 किलो गांजा बरामद करियो है। वे बतायो कि आरोपी बस सु नशारी या खेप है जबकि उड़ीसा सु आगरा ले जा रहा है। उनकी टीम ने हमारे को इनपुट दिया कि कुछ लोग हैं जो मतलब उड़ीसा से मतलब गांजा लेके आ रहे हैं और आगरा उतरेंगे, आगरा के बाद कोई प्राइवेट बस में बैठ के उसके ऊपर जो हमारे डीएसटी प्रभारी अजीत और कोतवाल लाल सिंह दोनों के नेतृत्व में यहाँ टीमें बनाई, और क्योंकि लोग ज़्यादा थे 8 लोगों का इनपुट था और उसी हिसाब से टीमें बनाई गई और बना के हमने नाकाबंदी करवाई और जब इनको बस से उतार के और इनकी चेकिंग की गई तो टोटल 8 लोग थे। इनके पास 63 किलो गांजा मिला अलग अलग बैग में, जिसमें से 7 को अरेस्ट किया गया और 1 इनके अंदर एक बालक था जिसको निरुद्ध किया गया। और इनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं 4 लोग इसके अंदर सवाई माधोपुर ज़िले के हैं, बामुलवास इलाके के, 2 अपने सदर इलाके के हैं दौसा के, 1 जयपुर का है कानोता का, और बाकी जो डिटेल्ड है कि जहाँ से लेके आए उड़ीसा से वहाँ से इनका हैंडलर कौन है और यहाँ से इनको भेजने वाला हैंडलर कौन है उसके बारे में जांच चल रही है और जल्दी ही उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। और पूछताछ में बाकी
और ये कहाँ कहाँ ये लोग सप्लाई करते हैं, क्या इनका मोडस ऑपरेंडी है, उसके बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे और भी लोग जो इस काम से जुड़े हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए। 16 गोल्ड रो केरीसिल जयपुर ओपन फॉर एचएच ब्रिगेडियर महाराजा सवाई भवानी सिंह पोलो टूर्नामेंट कालेसू जयपुर में शुरू हुए लो। एक्रिसिल लिमिटेड रा चेयरमैन चिराग पारेख, नरेंद्र सिंह और राजस्थान पोलो क्लब रा सचिव दिग्विजय सिंह पत्रकार वार्ता में बतायो कि 22-27 फरवरी ताई आयोजित हो रियो टूर्नामेंट में सुजान इंडियन टाइगर, सोना पोलो, लॉस पॉलिस्टोस पोलो और विमन एरोन अचीवर्स भाग ले वेली। भवानी सिंह जी की मेमोरी में हम लोगों ने ये पोलो टूर्नामेंट चालू किया था 2012 के बाद, और लास्ट ईयर से चिराग भाई जो है भावनगर से आते हैं, जो खुद भी एक बहुत बड़े अच्छे पोलो के प्लेयर हैं और हॉर्स राइडर है, बड़ा कीन पैशनेट पोलो प्लेयर हैं। इनकी इच्छा थी कि पोलो को किसी एक दूसरे लेवल पे ले जाया जाए, तो ये लास्ट ईयर से जो है इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े हैं और इसको हमने जो है जयपुर ओपन कैरेसिल जयपुर ओपन 16 गोल का टूर्नामेंट रखा है जो कल से चालू होने वाला है। इसमें 4 टीमें भाग लेगी और आप देखेंगे इस हफ्ते में, मैं समझता हूँ इस पोलो सीजन का सबसे रोमांचक टूर्नामेंट होगा। जयपुर को हमने आइडेंटिफाई किया है जयपुर ओपन्स टू हैव कि हमको बेस्ट पोलो जयपुर के जयपुर सिटी को देना है, यही हमारा विजन है कि मोर एंड मोर पीपल इधर आए जयपुर में आके देखे। हम एंटरटेनमेंट फैक्टर्स करने वाले, हम बॉलीवुड सितारों को लाने वाले और हम 16 गोल जो बेस्ट पोलो हो सकता है इंडिया में वो प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो एक जयपुर नया मुकाम पे हम ले जाना चाहते। खबर खेल सू, भारत काले कोलकाता रा ईडन गार्डन में खेला गया तीसरा और अंतिम T20 मैच में वेस्टइंडीज की टीम ने 17 रन सू हरार 3-0 सू सीरीज जीत लीनी। भारत पहलिया बल्लेबाजी करता थका निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 184 रन बनाया। लक्ष्य रो पीछो करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 167 रन ही बना सकी। भारत का सूर्य कुमार यादव ने प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनियो गयो। भारत 6 बरस से पाछे फेरू विश्व T20 क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष पर आ गयो है। और अब एक खबर मौसम सु, नुआ पश्चिमी विक्षोभ रा सक्रिय होबा सु प्रदेश में एक बार फेरू मौसम में बदलाव आयो है। इंड्र चालता कई जिला में हवा चाल रही है। मौसम विभाग रे मुताबिक आगामी 22 फरवरी ने पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कटे कटे हल्की बारिश हो सके है। और आओ बुलेटिन रे अंत में मुख्य समाचार एक कर फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर आयोजित वेबिनार रा पूर्ण सत्र ने करिया संबोधित, कया के इन साल रा बजट में शिक्षा रा क्षेत्र में 5 बातारोप दियो गयो है खासो जोर। भारतीय जनता पार्टी राज्य री कांग्रेस सरकार ने हर मोर्चा पर बतायो विफल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कया सरकार कास्तकारा सु करिया वायदा नी करिया पूरा। रीट भर्ती पेपर लीक मामला में भाजपा रा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा करिया और खुलासा, कया मामला रा तार जुड़िया है 10 जनपद ताई। पुलिस महानिदेशक ML लाठर पुलिस मुख्यालय में करिया समीक्षा बैठक, सगला रेंज IG और पुलिस कमिश्नर भी लेना भाग। और भारत तीसरे और आखिरी T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने 17 रन सु हरायो, भारतीय टीम विश्व T20 क्रिकेट रैंकिंग में पुगी शीर्ष माथे। राजस्थानी समाचार और बुलेटिन अठे पुरो यो, आप देखते रहो DD राजस्थान। नमस्कार।